छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीरो इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूले। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, क्यों देवी का रूप देवों का मान है बेटियां। घर का जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां, अगर ना होती बेटियां तो थम जाता ये संसार। ये पंक्तियां सिर्फ सुनने के लिए ही रह गई हैं। आज हम ये क्यों कह रहे हैं तो आपको बता दें कि एक महिला जिसका नाम हंसी प्रहरी है, जो कि वर्षों से धर्म नगरी हरिद्वार की सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और गंगा के घाटों पर भीख मांग रही है। उसे मांगते हुए देखने पर शायद ही कोई यकीन करे कि उसका अतीत कितना सुनहरा रहा होगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस कभी हंसी प्रहरी के नाम के नारों से गूंजता था। प्रतिभा और वाक्पटुता इस कदर भरी थी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी और जीत गई। राजनीति और इंग्लिश जैसे विषयों में डबल MA किया। तब कैंपस में बहसे हंसी के बिना अधूरी होती थी। हर किसी को इस बात का यकीन था कि हंसी जीवन में कुछ बड़ा करेंगी, पर समय का पहिया किस ओर घूमता है यह किसे पता। जो लड़की कभी वीवी की पहचान हुआ करती थी आज भीख मांगने के लिए मजबूर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या हासिल हुआ, आज महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आज धर्म नगरी हरिद्वार पहुंची, जहां नेहरू यूथ हॉस्टल में हंसी प्रहरी से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि हंसी प्रहरी उत्तराखंड की बेटी है और आज उसके हालात हैं। उसके हालात ऐसे क्यों हैं, इसके लिए राज्य सरकार ने मुझे भेजा है और यहाँ आकर मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं भी अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ और हंसी प्रहरी भी कभी वहाँ की थी। आज इनसे बात करके मुझे लगा कि उनकी मानसिक स्थिति भी फिलहाल ठीक ठाक है। हमने उनसे कहा कि महिला कल्याण विभाग में यह कार्य करें, जहाँ इनको मानदेय भी दिया जाएगा, रहने के लिए घर भी दिया जाएगा और उनके बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही इनका जीवन यापन भी हो जाएगा। ऐसे में हंसी ने हरिद्वार से लगाव होने के कारण कहीं और जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन यापन तो आश्रम में मिले भोजन से ही हो जाएगा, बाकी मेरे बच्चे स्कूल से फ्री पढ़ाया जा रहा है, सरकार चाहती तो मुझे रहने का सहारा दे, बस मौके पर हरिद्वार के मेयर रैन बसेरे में रखने की बात कही। जी अच्छा, आश्वासन क्या, मैंने आवास व्यवस्था की मांग की थी, वो कहते हैं संस्था में, मतलब हमारे संस्था में चलो, तो मैं थोड़ा सा अपने, मतलब मैं अपने हिसाब से, हर व्यक्ति चाहता ना मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊँ, होता है ना हर व्यक्ति की सोच होती है ना भैया, हर मनुष्य की अपनी सोच होती है कि मैं अपने हिसाब से, जब तो वो इमैच्योर है तब तक तो वो माँ के सीने से लगे रहता है, लेकिन जब उसके अंदर मैच्योरिटी आती है ना, तो हर आदमी की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल अलग हो जाती है, और वो विशेषकर एजुकेटेड के पढ़े लिखे की, अनपढ़ को तो थोप भी दो, लेकिन पढ़ा लिखा तो अपने ऊपर किसी चीज़ को कह रही हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे एक आवास मिल जाए, और मैं अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तूने, हाँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा आवास मिल जाए, और आवास मिल जाए थोड़ा सा लोकेशन को मध्य नज़र रखते हुए, क्योंकि वातावरण का व्यक्ति के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जैसा वातावरण होगा वैसा उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो आध्यात्म माँ श्री भगवती परम्बिका श्री भागीरथी के श्री चरणों में मेरा बहुत आस्था है, उनके श्री चरणों में मेरी आस्था है, इसलिए मैं माँ श्री भागीरथी परम्बिका के श्री चरणों में हूँ। तो यहाँ पर जब हरिद्वार आए तो किसने आपकी सहायता करी, कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करा आपने? सहायता वायता क्या करना, रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन भंडारा मेरा चली जाता है भागीरथी के श्री चरणों में, कोई ना कोई संत महंत और भंडारे में खाती हूँ मैं, और कपड़े वगैरह भी जितने भी हमारी बहनें बच्चे वगैरह, आंटी ये पहन लो दीदी ये पहन लो हो ही जाता है, और खर्चे मेरे कुछ ऐसे हैं नहीं, खर्चे विद्यालय स्तर से तो मदद मिली रही है उसको पूरी। क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बच्चे? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बालक तो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाए, मैं मेरे जीते जी मैं अपने बालकों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा सपना है जी, उसके लिए मैं तन मन धन का पूरा वो करूंगी।
जी, ये जो महिला है जो आपके संपर्क में कैसे आई और कब से आप इसकी मदद कर रहे हैं? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये इस संस्था में आई थी। इन्हें ये लगा था कि शायद ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है जहाँ पर ये जॉब चाह रही थी, तो हमने बताया कि हम जॉब तो नहीं दे सकते, हम तो एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो उसने शुरुआत में कहा कि मेरे बच्चे का एडमिशन है, उसमें मुझे थोड़े धन की आवश्यकता होगी, तो थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत पैसे इसने चाहे वो हमने उपलब्ध करा दिए। मैं और मेरे कई मित्र हैं जो कि इस कॉज में कोई ऐसी बात नहीं थी, बच्चे का एडमिशन की बात थी। उसके बाद इसको मैंने जाते वक्त कहा कि जब भी कभी कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे पास ज़रूर आ जाना। तो ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार ज़रूर मेरे पास आती है, जब मौसम बदलता है, बच्चे के कपड़े बदलने होते हैं, चेंज होने होते हैं, जब आती है, या कोई कंबल वगैरह चाहिए, बस इसी हिसाब से आती है। और कभी मैंने इसने 500 रुपये मांगे और मैंने 1000 रुपये देने की कोशिश की तो इसने कभी लिए नहीं, तो स्वाभिमानी है। मुझे तो अभी 3 दिन पहले ही पता चला जब मीडिया में ये बात आई कि ये एक डबल MA है, तो मैंने जानने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। मुझे लगा कि किसी का पर्सनल मामला, तो किसी फीमेल का पर्सनल कोई भी चीज़ पूछने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई और मन गवारा भी नहीं किया। तो इसी तरीके से मेरे संपर्क में है। तो आज मंत्री रेखा रे भी आई है, जी आश्वासन दिया है। मंत्री जी ने कहा है कि हम इनकी अपने डिपार्टमेंट में कहीं जॉब केयर टेकर हेल्पर या कोई जॉब दे सकते हैं और इनके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं और इनके बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। वैसे आपकी संस्था इनका रहने की और ये सब व्यवस्था तो पड़ी करी है? हमारी संस्था जो है, हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो यूथ के डेवलपमेंट के लिए है। अब हम अपने उस उद्देश्य से अलग नहीं हो सकते हैं कि हम यूथ के डेवलपमेंट के अलावा कुछ अन्य कार्य करें, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा है। तो हम पर्सनली जो कुछ कर सकते हैं, संस्था के मेंबर्स हैं, पर्सनली हम करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी कोई भी यहाँ आता है तो हम उसको भोजन की व्यवस्था या कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो कि उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है देते हैं। नाम और डेजिग्नेशन बता दो। मैं सुखबीर सिंह ढींडसा संस्था में सचिव के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में सचिव के तौर पर कार्य कर रहा हूँ।